भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा एक 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और के राधा मोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी, शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरोड़ा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनीडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता ए हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत के राधा मोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारिक घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पैथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेकेंस की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधा मोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है।
प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा एक 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और के राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरोड़ा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनीडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता ए हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत के राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेकेंस की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द को
इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोष रहा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और के राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरोड़ा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता ए हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत के राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पैथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेकेंस की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी।
विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा एक 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और के राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता ए हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत के राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पैथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेकेंस की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ,
और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी, विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा एक 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और के राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरड़ा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता ए हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत के राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पैथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेकेंस की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं।
इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा एक 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और के राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरड़ा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता ए हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत के राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है।
श्री सत्या साई आर्ट्स के राधा मोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधा मोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरड़ा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता ए हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधा मोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट
और विशेकेंस की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा एक 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता ए हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी।
इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथौनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक प्री ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री के अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा एक 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम के अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता ए हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा मुख्य
भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथौनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता ए हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा
भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी, शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में हैं। एक आधिकारिक घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथौनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी, शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी, शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरड़ा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी, शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता ए हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी, शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के
लिए जाने जाते हैं। कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी, शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी, शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी, शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरड़ा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी, शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी, शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा
नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी, शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में हैं। एक आधिकारिक घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथौनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक प्री ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी, शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी, शंकर मालविका, शंकर नौशर पूरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी, शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी, शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को
राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरड़ा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जो कि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली
का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा मुख्य भूमिका में हैं। एक आधिकारिक घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाविका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है।
और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में हैं। एक आधिकारिक घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथौनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में
अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में हैं। एक आधिकारिक घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है।
जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है, एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक प्री ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है।
भीम एक भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और किरण संपादन का काम संभाल रही है। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा एक 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए
सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक प्री ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जो कि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक
फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और किरण संपादन का काम संभाल रही है। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने
शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक प्री ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।
भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक प्री ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री
फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेकेंस की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक प्री ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है।
इसे प्रोजेक्ट में गोपी चंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार हैं और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपी चंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक अधिकारी घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक प्री ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।
आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपी चंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भावे पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपी चंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक आधिकारिक घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस
वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भव्य पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक आधिकारिक घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो ए हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपीचंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपीचंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपीचंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट्स के तहत KK राधामोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक
भीमा का अनावरण पहले गोपी चंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपी चंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपी चंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भव्य पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपी चंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक आधिकारिक घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधामोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपी चंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपी चंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है। भीमा मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फैक्ट जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीमा 2024 भारतीय तेलुगु भाषा की फतांसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो हर्ष द्वारा निर्देशित और KK राधामोहन द्वारा निर्मित है। इसमें गोपी चंद के साथ प्रिया भवानी शंकर, मालविका शंकर, नौशर पुरा, विनीला किशोर और रघु बाबू, मुकेश तिवारी, चम्मक चंद्र, निहारिका कुनिडेला और रोहिणी दोहरी भूमिका में हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भीमा को मूल रूप से निर्धारित तिथि 16 फरवरी 2024 के बजाय 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। और इसके कुछ मूवी की कहानी की बात करें तो भीम एक रामा जुड़वा थे, जो बचपन में एक घटना के कारण अलग हो गए थे। भीम एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जबकि राम एक समर्पित ब्राह्मण पुजारी थे। एक दिन जब राम को पता चला कि भीम दुखद रूप से मारा गया है, तो उन्हें भीम के प्रति अपनी शत्रुता और नफरत की गलती का एहसास हुआ। बाद में भीम की आत्मा राम के शरीर में प्रवेश करती है और राम खलनायकों को मार देता है। इस प्रकार भीम और उसकी प्रेमिका विदा और बच्चों की मौत का बदला लेता है। भीम की अधिकारी घोषणा 12 जून 2023 को गोपी चंद के 44वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। 10 अगस्त 2023 को प्रिया भवानी शंकर और मालविका शर्मा को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में घोषित किया गया था। भीमा 8 मार्च 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं और स्टार मार्केट ने सैटेलाइट अधिकार प्राप्त किए हैं। और लोकप्रिय एक्शन स्टार गोपी चंद वर्तमान में अपनी 31वीं फिल्म का पर काम कर रहे हैं, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्ष ने किया है। यह फिल्म एक अद्वितीय एक्शन मनोरंजक शैली के अंतर्गत आती है और इसे प्रसिद्ध बैनर श्री सत्या साई आर्ट के तहत
के राधा मोहन द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा के साथ निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का शीर्षक भीमा का अनावरण पहले गोपीचंद के जन्मदिन पर उनकी पहली छवि के साथ किया गया था। पहली नज़र में एक पुलिस वाले के रूप में गोपीचंद की कठोर और गहन उपस्थिति को दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आज प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की मुख्य अभिनेत्री को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। इसे प्रोजेक्ट में गोपीचंद के साथ नायिका की भूमिका निभाने के लिए प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को चुना गया है। दोनों अभिनेत्री फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। भव्य पैमाने पर बन रही यह हाई बजट फिल्म फिलहाल हैदराबाद में अपने शूटिंग शेड्यूल से गुजर रही है। भीमा को पारिवारिक भावनाओं और अन्य सम्मोहक तत्वों से जुड़ी एक विशाल एक्शन मनोरंजक फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है। प्रोडक्शन ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं को संभालने के लिए सिर तकनीकियों की एक टीम को नियुक्त किया है। भीम की सिनेमेटोग्राफी स्वामी जी गौड़ा के सक्षम हाथों में है, जबकि संगीत रवि बसरूर द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रमना मंडा प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जिम्मेदार है और किरण संपादन का काम संभाल रही हैं। फिल्म में संवादों के पीछे अज्जू महाकाली का मास्टरमाइंड है। एक्शन दृश्यों का विशेष ध्यान देने के साथ फिल्म की फाइट कोरियोग्राफी को राम लक्ष्मण वेंकटेश और डॉक्टर रवि वर्मा सहित अनुभवी पेशेवर की एक टीम द्वारा नियुक्त की जा रही है। तेलुगु अभिनेता गोपीचंद, जो अपने मर्दाना व्यक्तिगत के लिए जाने जाते हैं, कन्नड़ फिल्म निर्माता हर्षवर्धन द्वारा निर्देशित अपने आगामी एक्शन से भरपूर ड्रामा भीमा के साथ दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फिल्म में प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा मुख्य भूमिका में है। एक आधिकारिक घोषणा में फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख 16 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 8 मार्च 2024 को कर दी। इस अपडेट के साथ नई रिलीज तारीख का खुलासा करने के लिए एक आकर्षक पोस्टर भी जारी किया गया। फिलहाल फिल्म की टक्कर राम पथोनी की डबल आई स्मार्ट और विशेष की गैस ऑफ गोदावरी से होने वाली है। श्री सत्या साई आर्ट्स के राधा मोहन द्वारा निर्मित भीमा में रवि बसरूर का शानदार स्कोर है, जो KGF और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। इस सम्मोहक पुलिस ड्रामा पर आगे की अपडेट के लिए नज़र रखते हैं। जी हाँ, और प्रतिक्रिया अभूतपूर्व से कम नहीं थी। विशेष रूप से एक दृढ़ पुलिसकर्मी की भूमिका में गोपीचंद के कठोर चित्रण के लिए है। भीमा के इर्द गिर्द चर्चा को और बढ़ाने वाला नवीनतम विकास मुख्य अभिनेत्री की अधिकारी घोषणा है। प्रिया भवानी शंकर और मलाइका शर्मा को गोपीचंद के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में स्क्रीन साझा करने के लिए चुना गया है।